सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। दिस इज अनमोल जैन फ्रॉम बुलबुल डायरेक्शन अमरमपुर। आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे रहोगे। तो गाइज, फिलहाल मैं हूँ अभी रायपुर में। ये वाला होटल है, मतलब होटल तो नहीं बोलूंगा इसको, धर्मशाला बोलते हैं। ये है दादावाड़ी। तो दादावाड़ी में मंदिर इतना आलीशान बनाया गया है, रात का व्यू बहुत एक्सीलेंट रहता है। बट सुबह का नज़ारा कैसा है वो मैं दिखाता हूँ। उससे पहले तो चाय पी के आते हैं, ठीक है? तो देखते हैं, कुल्हड़ वाली चाय खोजते हैं, अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसी मिलेगी वैसी पियेंगे। सामान कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, ये दो और ये जैकेट वगैरह इसमें सेट करना है, बाकी इसको सेट करके निकल जाएंगे। बारिश हुई आज सुबह भाई, ताला कौन मारेगा, मेरे को भी मानना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, चाय पी के आते हैं यार। पार्किंग की कितनी बड़ी जगह है यहाँ पे, दूर दूर तक सन्नाटा है गाइस, एक भी दुकान नहीं खुली है। और मेरे ख्याल से चाय तो मिल ही जानी चाहिए, देखते हैं कहीं मिल जाए चाय। हेलो, कहाँ पे कहाँ पहुँच गए? दमतेरी। दमतेरी चाय नहीं मिल रही है यहाँ पे कहीं? हमने भी चाय नहीं पी पाई। चल ठीक है, यहाँ तो बारिश हो रही है। ट्रेन लेट है। अच्छा लेट है, कौन सा वाली? 1 बजे वाली? तो हाँ 1 बजे, अभी तो इरेगुलर टाइम दिखा रही है, मतलब 12:15 को निकलेगी दुर्ग से। अच्छा। सो गाइस, मेरे साथ मेरी बहन प्रिया आई थी, वो तो निकल गई सुबह मार्केटिंग करने के लिए आई थी, मार्केटिंग कंप्लीट हो गई। गो चाय पीते हैं गाइस। कुल्हड़ वाली नहीं मिली, पर चाय मिल गई वो बड़ी बात है। यहाँ दूर दूर तक कुछ भी दुकानें बंद, मतलब खुली नहीं है। टाइम भी एक्चुअली यहाँ पे 11 o'clock को सारी दुकानें खुली जाती हैं, खुलती हैं सॉरी। लेट्स गो गाइस, अब अपन दर्शन करेंगे मंदिर जी का। एक्चुअली एंट्रेंस गेट ये है, बट हमेशा बंद रहता है, तो वहीं से जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्किंग करते हैं और वहीं से चले जाते हैं। ओके तो गाइज, ये है मंदिर जी। एक्चुअली क्या है, अभी अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट ये नाइट व्यू में लाइट लगता है, प्योर वाइट कलर का है ना, तो नाइट व्यू में पूरा लाइट लगता है, तब मस्त, मतलब सेवरल लाइट्स चेंज होते हैं इसके। बहुत बारीकी तरीके से बनाया गया है मंदिर जी। सो गाइज, अगर इसका व्यू पॉइंट देखना है तो रात में बड़ा मज़ा आता है, सब लाइट चलती है ना, तो सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाइट लगते हैं मंदिर में, मतलब ऐसा लगता है कि मंदिर का कलर चेंज हो रहा है। सो ये मंदिर उपस्थित है रायपुर दादावाड़ी, मतलब रायपुर में आओगे तो दादावाड़ी जरूर आएगा। इस ये मंदिर देख सकते हो आप, बहुत अच्छी मंदिर है। ओके, जैन टेम्पल है, श्वेतांबर जैन टेम्पल। ये हैं सारे प्लैनेट, पता नहीं कोई एग्जीबिशन हुआ होगा इसी के रिगार्डिंग बनाया था, और ये डेकोरेशन किया है। यहाँ पर भी एक मंदिर जी है, पहले यहाँ पे चैनल वगैरह लगाया हुआ था, अब अंदर अंदर में ही है मंदिर जी, तो अभी क्लोज है, शाम को खुलेगा। और यहाँ पे बनता है खाना प्योर वेजिटेरियन, घर जैसा खाना। यहाँ पर प्लांटिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है, मेरे को किसी का भी नाम नहीं पता है गाइस, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको, दुनिया भर के प्लांट लगाए गए हैं यहाँ पे। बस कोकोनट प्लांट के बारे में पता है, जो कि ये रहा, और बाकी किसी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है मेरे को, ठीक है। सो गाइस, मेरी ट्रेन 1 o'clock का है, 1 o'clock तो दिखा रही है, बट मेरे ख्याल से 1:30 से 2 बजे से पहले नहीं आ रही, सर्दी का मौसम है, ट्रेन लेट ज़्यादा हो रही है। तो फिलहाल मैं अभी एडिटिंग करता हूँ, ये फ़ोन देखो ऐसे हो गया है, पर मैं एडिटिंग उसी से करूँगा जो फोन से शूट कर रहा हूँ। ओके, आज के व्लॉग में हम ट्रेन जर्नी दिखाएंगे,
ट्रेन में मतलब इतना अच्छा क्लाइमेट है और इतने अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स आएंगे, सबको क्लिप करूंगा मैं और एक म्यूजिक के माध्यम से दिखाऊंगा, मतलब एक स्मॉल स्मॉल शूट करूंगा मैं, शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगा, ऐसे नॉर्मल डाल दूंगा, मतलब गाना वाना नहीं लगा के, हाँ इसी चैनल में। सो गाइस टाइम अभी 9 o'clock हो रहा है और बारिश जोरदार हो रही है, तो बारिश तो होती रहेगी। मैं नहा धो के मंदिर जी जाऊँगा तो मंदिर के अंदर का लुक दिखाऊंगा, बाहर का मैंने लुक दिखाया अंदर का नहीं दिखाया, तो उसके लिए पहले नहा ले, नहा के निकलेंगे। सो कुछ ये गेटअप है नहा धोने के बाद। तो मतलब जीन्स पैंट नहीं पहन रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ऐसी पैंट पहन रहा हूँ, ट्रैक पैंट, ट्रैवलिंग के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। तो अभी हम जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए, तो मैं प्रॉपरली सूट नहीं करूँगा गाइज, वहाँ पे लोग रहेंगे। तो ये मंदिर जो है ये है सौतांबर मंदिर, और हमारे नवरंगपुर में जो मंदिर है वो है दिगंबर मंदिर। तो जैन में भी दो मतलब दो टाइप के मंदिर होते हैं, एक है श्वेतांबर एक है दिगंबर, बट जैन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स गो, दिखाता हूँ मैं अंदर। हमारी पूजा अलग होती है, इनकी अलग होती है। तो पूजा हो रही होगी कि नहीं पता नहीं, कैसा है, क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, जाकर देखने से ही पता चलेगा। तो गाइस बारिश तो बंद हो गई। सो गाइस फिलहाल क्लाइमेट बहुत आलीशान है, कितना मस्त लग रहा है, सुकून वाली जिंदगी है। पर ये है ना गाइस, अकेले ट्रैवलिंग करने में बोर लगता है, सपोर्ट में कोई रहे तो बड़ा मज़ा आता है। ये सब लाइट लगी हुई है, ये रात को चलती है, सॉरी दिख नहीं रही होगी। यहाँ पर दर्भ में फल भी चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ चावल चढ़ाते हैं। सो गाइस मंदिर तो मैंने पूरा दर्शन कर लिया, मतलब तीन मंदिर है यहाँ पे, दो मंदिर है बड़े बड़े और बीच में भगवान जी विराजमान है। ठीक है, हमारे यहाँ जो भगवान जी हैं उनका आँख ऐसे क्लोज रहता है, श्वेतांबर यहाँ श्वेतांबर के यहाँ पे जो भगवान जी उनकी आँखें ओपन रहती हैं। तो ये दो बहुत मेन डिफरेंस हैं। और हमारे यहाँ दर्भ अलग चढ़ाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट चढ़ाया जाता है, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पर एक ही चीज़ है जैन है। हम दिगंबर वाले भी अगर स्वतंबर के यहाँ जाते हैं तो स्वतंबर वाले भी दिगंबर के यहाँ आते हैं। सो ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जैन लोग ही आ सकते हैं, जो भी आ सकता है दर्शन करने के लिए। ओके, जैन धर्म भाई किसका है, जो माने भाई उसका है। टोटल यहाँ पे पूरा 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 का पूरा मार्बल से बनाया गया है, जो भी कुछ है दिख रहा है आपको सब टोटल मार्बल से बनाया गया है। सो गाइस टेम्पल टूर तो कम्प्लीट हो गया, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। टेम्पल हमारा जैन मंदिर उपस्थित है दादावाड़ी में। ओके, तो नाउ लेट्स गो, नाश्ता करके आते हैं, क्या कुछ मिलेगा क्या कुछ खाएंगे देखते हैं, फिर 12 बजे चले जाएंगे, 1 बजे ट्रेन है अपनी, 12 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचना है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock, स्टिल अभी तक कोई भी दुकानें नहीं खुली हैं, यहाँ पर 11:30 बज जाते हैं दुकान खोलते खोलते। तो गाइस आ गए हम इडली खाने के लिए। इडली वड़ा तो मस्त लगा गाइस, आप कुछ और ट्राई करते हैं, मतलब खाली वही खाएंगे तो क्या फ़ायदा, आए तो कुछ और ट्राई करो। अब मैं खोज रहा हूँ कुल्हड़ की चाय, पर कहीं मिल नहीं रही है, कहीं मिल जाए तो ले लेंगे, नहीं तो फिर आगरा में डायरेक्ट जाके पियेंगे। सो गाइस हाफ एन आवर से घूम रहे हैं, अभी तक कुल्हड़ की चाय नहीं मिली, रात को ही मिलती है तो हम नहीं पियेंगे, हम तो डायरेक्ट जा रहे हैं अब रेलवे स्टेशन। ओके गाइस अब मैं निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन के लिए मैंने पराठे ले लिए यहीं से दादावाड़ी से, यहाँ पर एक घर जैसा खाना मिलता है, तो सोच रहा हूँ और एक मील्स ले लूँ, पर सोच रहा हूँ, पर गारंटी कुछ नहीं है, देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो वो भी ले लूँगा। लेट्स गो। बारिश बंद ही नहीं हो रही भैया, साइक्लोन है क्या? 48 घंटा बताया क्या? चलो ठीक है।
ठंडी वैसे आज ही है, कल तो नहीं थी बिल्कुल। नहीं कितने दूर है रेलवे स्टेशन? चलो ठीक है। पहुंच गए रेलवे स्टेशन। लेकिन बारिश हो रही है, क्या क्लाइमेट है। तो गाइस बैठ गए हम ट्रेन में, ट्रेन चालू है। सो खाने में मैंने लिया है ये सब्जी और रोटी, और ये है लड्डू जो कि मम्मी ने दिए थे। टाइम हो रहा है 3:00, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज तो यहाँ पर। सो गाइज फाइनली मैं पहुंच गया ये आगरा कैंट, जो कि साइड में देख सकते हो आप ताजमहल है। ये व्लॉग है दिसंबर का, मतलब 5 दिसंबर का, और इस व्लॉग को मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ अराउंड 5 महीने के बाद। तो शूट कर रखा था बट एडिटिंग के लिए टाइम नहीं हो रहा था, कहीं ये फ़ोन में मेरे को समझ में नहीं आया था आईफोन में कैसे एडिटिंग करते हैं, तो बस इधर उधर होने के चक्कर में मैंने प्रॉपरली कर ही नहीं पाया। अब समझ में आ गया, और जितने भी व्लॉग हैं मेरे इसके बाद आएगा, शादी का व्लॉग आएगा, जो शादी मैंने अटेंड की थी, जो भी शूट हुआ है वो सब आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा। ओके, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।